नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। इस वक्त देश के मन में सिर्फ यही सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है। और बात करें जम्मू की, तो वहां 144 धारा भी हटा दी है। धीरे धीरे जम्मू के हालात सामान्य हो रहे हैं, बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन कश्मीर के हालात इससे विपरीत है। कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू जारी है, लोग घुटन में और गुस्से में हैं। दूसरी ओर बात करें, जम्मू कश्मीर में बकरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बीजेपी ने अब 15 अगस्त के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, धारा 370 की बेड़ियों से आजाद जम्मू कश्मीर में नई रौनक लौट आई है। धारा 370 का खत्म होना न केवल बीजेपी के लिए बल्कि देश के लिए किसी इतिहास से कम नहीं है। बीजेपी इस ऐतिहासिक कदम को जम्मू कश्मीर के जश्न के साथ मनाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी की केंद्रीय इकाई ने सभी राज्य इकाइयों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त को कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम में ये बताया जाएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कैसे ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया और मैनिफेस्टो में किए वादे को कैसे बीजेपी ने पूरा कर दिखाया। जम्मू कश्मीर में इस प्रोग्राम की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में करीब 1300 पंचायत प्रमुख हैं। ऐसे में मंडल स्तर और पंचायत स्तर पर ये प्रोग्राम आयोजन करने की कोशिश अब बीजेपी की रहेगी। बीजेपी ने इसके लिए सभी पंचायत स्तरों और अध्यक्षों को साफ निर्देश दे चुके हैं कि 15 अगस्त को भव्य प्रोग्राम आयोजित किया जाए। इसके साथ ही बीजेपी ने पूरे जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ऐलान कर दिया है, जिसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सेना चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में 370 का खात्मा होने के बाद अब बीजेपी की कोशिश यही है कि वो कश्मीर के लोगों को जोड़ सके, खुद के समर्थन में ला सके। इसी कोशिश में बीजेपी अब आयोजन करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि लाल चौक का इतिहास बीजेपी से जुड़ा है। चलिए एक बार उस इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल लाल चौक का इतिहास रहा है कि श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया था। उस दौरान पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे। उस दौरान भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन अब क्या लाल चौक पर तिरंगा फहरेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में बड़ा आयोजन तो करने जा रही है, लेकिन हमेशा जिस लाल चौक पर सियासत होती रही है, क्या वहां बीजेपी तिरंगा फहराएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन सियासी गलियारों में यह हलचल हो चुकी है कि क्या लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा। क्या लाल चौक पर बीजेपी तिरंगा फहरा पाएगी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और एक प्रश्न ये भी है कि क्या कश्मीर को कर्फ्यू से आजादी मिल पाएगी, क्योंकि कश्मीर के लोगों में यही डर है कि जब कर्फ्यू खुलेगा तब क्या होगा। आप देखते रहें नवतेज टीवी।